की चाय विद राफिया और एस्थेटिक्स में भी इनका, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट क्या कहूँ रोल है, वो करती हैं। हमारे पास मौजूद है हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। एक दो महीने के लिए करके तो चलो ठीक है, बिकॉज हम इसमें बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हैं, तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाइट लॉन्ग टर्म सही है? देखें, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और हाफ ऑफ द आंसर तो आपने खुद ही दे दिया, क्योंकि बींग अ डॉक्टर आप इस चीज़ को समझ सकती हैं और रियलाइज कर रही हैं। बेसिकली कीटो, एटकिंस, मेडिटेरियंस, लो फैट, लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन डाइट, ये इनोवेट होती गई एक एक लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए पेशेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक स्पेसिफिक डॉक्टर ने उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पेशेंट को रेकमेंड किया। फॉर एग्जाम्पल, कीटो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो अल्जाइमर के पेशेंट, यानी जो कुछ मिर्गी के पेशेंट थे, उनको अच्छा। ट्रीट करने के लिए, एपिलेप्सी के, डायबिटीज़ के लिए, एपिलेप्सी के पेशेंट्स को डील करने के लिए बहुत पहले कीटो उस वक्त इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जब बॉडी में नहीं जा रहे थे तो फैट जाने चाहिए थे, क्योंकि बॉडी को ऐसा फ्यूल चाहिए था कि जिस पे बॉडी सस्टेन कर सके। और उस वक्त जो एपिलेप्सी थी वो ट्रीट हुई और उस वक्त कीटो से वेट लूज़ कर लिया। कुछ लोगों ने तो कीटो वेट लॉस के लिए लोगों ने इस्तेमाल करने शुरू कर ली, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है वेट लॉस के लिए। अच्छा, आप कीटो को यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ के लिए, इनफैक्ट टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए नहीं, अगेन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह कीटो यूज़ हो सकती है प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी। है ना, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करती हैं, है ना? व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स डू यू डू? आई डू ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग बोटॉक्स फिलर्स, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती अननेसेसरीली। मैं किसी भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट को प्रमोट नहीं करती, इंक्लूडिंग वाइटनिंग इंजेक्शंस को प्रमोट नहीं करती, इंक्लूडिंग स्लिमिंग ड्रिप्स को भी प्रमोट नहीं करती। येस, आपको ज़रूरत है, आप ज़रूर करवाएं, लेकिन जब तक आपका गट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, कोई भी एस्थेटिक्स आपका ट्रीटमेंट आप पे रिजल्ट नहीं लाएगा। आपको आपके गट को हेल्दी रखना है, आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, गट आपका क्लीन रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, फिर आप सारे के सारे करवाएं। मैं मीजोथेरेपीज़ करती हूँ, मैं बॉडी कंट्रोलिंग में इस वक्त स्पेशलाइजेशन कर आई हुई हूँ अमेरिका से। लाइसेंस, ऑल लेज़र ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग हेयर रिमूवल। लेज़र से आप फैट कट के निकाल रहे हैं? Is yes. it like that? Yes. Oh my God. बहुत सारे ऐसे stubborn areas होते हैं आपकी body में कि जब हम diet plans के जरिए जब बॉडी बहुत अच्छी शेड हो चुकी होती है, मैं लेजर्स जब तक नहीं करती, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज़ में। थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आप कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।